हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं विपुल ऑनलाइन पार्टनर। स्वागत है सभी का विपुल ऑनलाइन पार्टनर के चैनल पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बेहद ही कॉमन क्वेश्चन जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट हो जाता है। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट नो लेट टू डिस्कस एज एल एज बिफोर बिगिन गो टू सब्सक्राइब माई चैनल एट प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बहुत सी इसमें डीप सब्जेक्ट। सो गाइस इसमें अडवान आउट इसमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है, कि सबसे इसमें डिफरेंट कौन है, मैंने अलग कौन है, सबसे अलग कौन सा चल रहा है। तो इसमें एक लॉजिक ढूंढिए, ठीक है, जो सबसे अलग चल रहा हो, ठीक है। तो मैं चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सारे ऑल ऑफ एग्जाम जितने भी होता है सब में आता है ये रीजनिंग जब भी आता है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक ये बन रहा है कि यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन में 4 2 4 6 है, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है कि 4 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 आ रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है। दो लास्ट वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर आ रहा है 24, ठीक। इसमें देखिए सी वाले में यहाँ पर नए यहाँ पर देखिए 9 5 4 6 है, ठीक है। जब हम 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 6 जब 44 होता है तो ये आ जाएगा, बीच वाला दोनों नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए 7 4 जाए कितना होता है 28 होता है, ये भी बीच वाला नंबर आ गया। बट इस तरीके का ऑप्शन है यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है बी में, तो सबसे डिफरेंट जो होगा ये बी वाला होगा। ये बहुत ही क्वेश्चन ये किसी भी कम्पिटेटिव में आता है, हम बहुत बार एग्जाम दिए हैं तो हमको पता है, ठीक है गाइस। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर यू, ओके गाइस। तो ये इस वीडियो का एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।